हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना। वो भी ऐसी संख्याओं घनमूल निकालना जो नॉन परफेक्ट क्यूब हो, यानी कि जो पूर्ण घन संख्या ना हो। जैसे जरा यहाँ देखें, 27 का हम घनमूल आसानी से निकाल लेते हैं, 3 होता क्यों? क्योंकि 27 जो है कहते हैं नॉन परफेक्ट क्यूब है, यानी कि पूर्ण घन संख्या है। जो पूर्ण घन संख्या होती है उसका तो हम घनमूल आसानी से निकाल लेते हैं। अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे, आज मैं ये आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, जो 24 है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है तो इसका घनमूल निकालना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। केवल आप 5 सेकंड के अंदर इन ऐसी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले मैं एक क्वेश्चन को आपको डिटेल से समझाऊंगा, टाइम लेकर सिखाऊंगा। उसके बाद जो बची है उनको सॉर्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेथड सीखें, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यह है क्यूब रूट ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 3 क्यूब रूट ए का स्क्वायर। अब देखिए करना कैसे, इसको लर्न जरा इसको सीखेंगे। देखिए क्यूब रूट ए प्लस बी, यानी कि यहां पर क्या रखना, पहले का ए का क्यूब करना है, उसके बाद बी यहां पर रखना है, फिर इसी नंबर का यहां पे स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करनी है। इसी नंबर को यहां स्क्वायर करके यानी वर्ग करके उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से समझा रहा हूं। जैसे ये देखिए 24 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले हमें क्या करना, इसको नियरेस्ट क्यूब में चेंज करना। तो 24 के पास नियरेस्ट क्यूब कौन सा है, 27। तो मैं इसको लिख सकता हूं 27 माइनस 3। ठीक, अब देखो इसको कैसे करना, 27 माइनस 3 ये तो काम करेगा ए का और ये काम करेगा बी का। तो पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला क्या है, क्यूब रूट ए, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाना, फॉर्मूले में प्लस माइनस लगाया मैंने, अगर यहाँ माइनस आता तो माइनस, प्लस आता है तो प्लस। यहाँ पे फिर v अपॉन 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ a का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ से देखिए तो यहाँ पे क्या लिखना, 3 क्यूब रूट ऑफ a यानी कि 27, b के प्लेस में क्या रखना 3 और a के प्लेस में फिर वही रखना, ये वाला ही नंबर यहाँ पर लिख देना 27 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 27 का हो गया 3, 27 का घनमूल कितना होता है 3, यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और 27 का घनमूल कितना है 3 है, हाँ चूंकि स्क्वायर हो रहा तो 3 का स्क्वायर 9। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना है 9, 9 की 27 माइनस 1 और 27 माइनस 1 यानी कि 26/9, 26/9 को हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.88, ये आएगा डिवाइड करके 2.88। तो ये हो गया इसका 24 का घनमूल यानी क्यूब रूट ऑफ 24। ठीक, अब इसको देखो और सॉर्ट कैसे करना, अब मैं ये आपको सिखाता हूँ। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए इसी को कैसे और शॉर्ट करना, अब मैं ये सिखाऊंगा। अगर आपको मेरा मेथड समझ में आ रहा है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दिल से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखो शॉर्टकट में मैं कैसे कराता हूँ, इसको जरा सीखिएगा। तो 3 ये क्यूब रूट ऑफ 60, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, क्यूब रूट नियर अबाउट किसके है, क्यूब रूट इसका 64, तो 64 माइनस 4। अब जरा समझना, तो करना कैसे देखो, पहले इसका क्यूब रूट लिख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस चिन्ह है तो माइनस रख लीजिए, इसको ऐसे रख लीजिए और यहाँ पे इसी का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 16, 16 × 3 = 48 डायरेक्ट, 12 × 48 = 47/2 और इसको लिखेंगे सोल्व करेंगे तो 3.91 ये आ गया आंसर। तो आपको एक सेकेंड मुश्किल से 5 सेकेंड मैक्सिमम, 3 या 4 सेकेंड में आंसर आपका आ जाता है। यस, देखिए अब हम इसका निकालना जा रहे हैं शॉर्ट में, आप जरा फिर समझेंगे कैसे करना। सबसे पहले इसको मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, वरना 3 सेकंड या 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो पहले इसको हम नियरेस्ट क्यूब रूट में लिखेंगे, नियरेस्ट क्यूब रूट क्या है इसका, क्यूब रूट बताइए, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5 यानी 125, माइनस कितना माइनस करेंगे 115 हो जाए यानी कि 10। अब जरा ध्यान ना, इसका क्यूब रूट लिख दिया मैंने 5, माइनस में यही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना, 3 गुना करना और इसका स्क्वायर करना, तो स्क्वायर हो गया 25, तो 5 × 10 5 × 25 3 × 5 तो 5 को
पांच से मल्टीप्लाई करेंगे, पांच पंजे तीन पंजे पंद्रह, पंद्रह पंजे पिछहत्तर, पिछहत्तर में से तो हो गए तिहत्तर बटा तीन पंजे पंद्रह, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 4.86। जो जी ये आ गया 115 का घनमूल। तो आप और भी जल्दी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे इतनी जल्दी कर सकते हैं, चार सेकंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर ला सकते हैं। हाँ जी, अब देखिए मैं नेक्स्ट वाला आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाला है टू क्यूब रूट 210 यानी कि 210। तो इसका कैसे करेंगे जरा समझेंगे। देखिए सबसे पहले नियरेस्ट क्यूब रूट में इसे लिखेंगे। नियरेस्ट क्यूब रूट क्या है इसका 210 का, यहाँ पर देखिए 216, तो इसे लिखेंगे 216 यानी कि 216 माइनस कितना रखेंगे 6। अब इसको देखिए तो सबसे पहले इसका क्यूब रूट लिख दीजिए 6, अब माइनस है तो माइनस लगा देना, ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, इसका 3 इंटू इसका स्क्वायर कर देना, तो 6 36 18 18 पंजे 90 18 छक्का 108 और ये बचा 107 बटे 18, इसको डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 5.94। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा प्राइवेट मेथड समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।